हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ओके, मीन्स हमारे पास कोई भी दो एंगल्स हैं जिनकी सम आएगी या डिफरेंस आएगी, तो साइन एंड कॉस के लिए ये फॉर्मूलाज कैसे होंगे। ओके, ये इस चारों के लिए है फॉर्मूला, जैसे साइन, कॉस, टेन एंड कॉट के लिए। ओके, तो हम इस पार्ट में हम ओनली साइन एंड कॉस के डिस्कस करेंगे, इसके साथ में एग्जाम्पल्स इनको कैसे यूज करना है हमने, और इसकी आगे जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, डेंटिस प्रूव करने होते हैं, वो भी करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टेन के फॉर्मूलास। क्लियर? अब देखिए, जैसे हमारे पास है साइन ए प्लस बी, अगर देखिए साइन होगा तो हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, अगर कॉस होगा तो हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। क्लियर? अब अगर साइन में प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, और कॉस के टाइम अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा। क्लियर? मीन जैसे ये फॉर्मूले बने, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, एंड माइनस आ गया तो यहां लगेगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हम यूज करते हैं एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए, 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री, यही तीनों एंगल्स हैं जो इनके सम एंड डिफरेंस के साथ ही ये सॉल्व होते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट है हमारे पास साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को क्या लिखेंगे हम, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, मीन्स ये फॉर्मूला कौन सा बना, सेकंड फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, जिसको हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री अगेन 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री इज 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास √3 माइनस 1/√2, क्योंकि 2√2 जो होगा ये आ जाएगा एलसीएम, एंड ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1, ऐसे ही आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे कॉस 105 डिग्री का करके दिखा देती हूँ, जैसे इसको हम लिखेंगे, अगर 75 डिग्री होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अगर साइन के लिए प्लस होगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर कॉस का होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा देती हूँ, कॉस 105 डिग्री इसको कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर? एंड विच कैन बी रिटन एज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एंड विच विल बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 45 डिग्री इज 1/√2, एंड तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 माइनस √3/2√2, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे अब हम आइडेंटिटीज करेंगे कैसे प्रूव करनी है। अब इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए साइन 70 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, सिर्फ हमने इतना देखना है, देखिए साइन कॉस कॉस साइन और बीच में आ गया माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन का फॉर्मूला होगा और माइनस का फॉर्मूला होगा। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ 70 डिग्री एंड 10 डिग्री होगा, तो ये लिखा जाएगा साइन 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री, एंड विच विल बी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब सेकेंड पार्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ओनली फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। अब देखिए कॉस π/2 ये हमने फिलहाल नहीं देखना है, जो भी हो। ओके, सिंपल हमने इसको ऐसे पढ़ना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग ही हमने लगाना है इसको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, ए कितना है हमारे पास π/4 माइनस थीटा प्लस बी, बी है π/4 माइनस 5, एंड विच विल बी कॉस π/4 प्लस π/4 इज π/2, देन माइनस कॉमन आ गया थीटा प्लस 5, और ये फॉर्मूला बन गया अब कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होगा पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ये बनेगा अब 90 डिग्री है, सो 90 डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ये मैंने बताया हुआ है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा तो उन दोनों केसेस में साइन कॉस के साथ कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन के साथ। ओके, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस फाइव। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे टैन के फॉर्मूलास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।